बीजेपी ने गोरखपुर और फूलपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए आज अपने पत्ते खोलकर सबों को चौंका दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर से उपेंद्र दत्त शुक्ला को और फूलपुर सीट से कौशलेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। लिहाजा अब इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। गोरखपुर से योगी अपने किसी करीबी को टिकट दिलाना चाह रहे थे, जबकि फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य अपनी पत्नी के लिए पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उपेंद्र दत्त शुक्ला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की और जमीनी स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे, लेकिन पार्टी ने पहले उन पर भरोसा नहीं किया। वहीं फूलपुर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने कौशलेंद्र सिंह पटेल पर भरोसा जताया है। बीएचयू से पढ़े लिखे पटेल वर्तमान में पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मेयर रह चुके हैं। हालांकि पटेल चुनार के रहने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि पटेल को फूलपुर में बाहरी होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने योगी की नापसंद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस घोषणा के साथ यह संदेश दिया है कि किसी इलाके में किसी एक का एक छत्र वर्चस्व मंजूर नहीं। चर्चा है कि गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में यूपी के सीएम एवं गोरखपुर से 6 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ यहां से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इससे साफ इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।